वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। कहती है आपको खुश आमदीद, और कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा कर सकूँ, वरना तो मेरी कुछ औकात नहीं है। बस आप लोगों की मोहब्बतें चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ बात करूँ आपकी हेल्थ की। ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अभी मौसम कभी बहुत पिछले दिनों हीट स्ट्रोक था, तो लोगों ने बड़ी जो है ऑफ कोर्स अपना ज़रा केयर किया, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे अभी रात में रोज़ाना हवा चलने लग जाती है। फिर एक बात हो रही थी खाने पीने पे, और खाने पीने में ये होता है कि कुछ लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, लेकिन कुछ लोगों में ये नहीं होता, वो लोग दो टाइम खाने को ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, खाने का ताल्लुक टाइम से नहीं है मेरे ख्याल में, खाने का ताल्लुक किसी बड़े अच्छे बंदे ने कहा है, खाने का ताल्लुक भूख से। आपको भूख कब लगती है? ऑफ कोर्स जब आप काम करते होंगे तो एनर्जी वेस्ट होती है ना हमारी। जैसे मैं बोल अभी मुझे इतना नहीं, मुझे बोलने मिलने का काम करते 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 एक वक्त होगा मुझे भी शदीद भूख लगेगी, तो उस वक्त अब ये सोचे नहीं, मैं तो 2 बजे खाना खाती हूँ, मैं अभी नहीं खाऊंगी। दिस अ बैड बैड थिंक अबाउट, मैं कहती हूँ इसमें बहुत ये सोच अच्छी नहीं है। अब मैं ये सोचती हूँ, और ये आप लोगों के जहन में भी होता होगा, आप लोग बच्चों को भी, नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ। टाइम खाने का नहीं, भूख का टाइम होता है। लेट सी अब इसके क्या इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, अच्छी बात है कि बुरी बात है, लेट सी गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर हर्बलिस्ट हकीम साहब मौजूद हैं, और हकीम रजा इलाही साहब से पूछते हैं कि ये सवाल जो मैंने एक अहमकाना किया है या बचपाना किया है या गुड किया है, आई डोंट नो, अभी लेट्स सी उनसे पूछते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं हकीम रजा इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बड़े गौर से मेरा मैसेज सुन रहे। बिल्कुल जी, बड़े रहमाक से, बड़े फिक्र वाला मैसेज था। बहुत शुक्रिया। बस है सर, दुनिया में ऐसा ही सब कुछ चल रहा है, और बस अल्लाह पाक कुछ लोगों को खास मुकर्रर करता है अच्छे कामों के लिए, बेशक, और वो अपना किरदार चाहे थोड़े फॉर्म में निभा रहे हैं और मुआशरती कम्प्लेक्स और महरूमियों की अकासी करना आप लोगों की जिम्मेदारी भी है, उसकी नुमाइंदगी करना आपकी जिम्मेदारी भी है। बहुत प्यारी बात की। अच्छा जी, हम लोग बात करें हेल्थ सेगमेंट की, और उसमें एक भूख का आंसर होता है, वो ये है कि हमें इतने बजे सुबह का नाश्ता करना है, इतने बजे दोपहर का। लेकिन अगर हमारा ऑफ कोर्स मसरूफियत ऐसी है डिफरेंट, जैसे आप यहाँ पर आ गए, घर पे होते हैं तो अलग होता है, लेकिन अगर कहीं काम से जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, या हमारा ट्रैवल ज्यादा है, तो अब बताएं कि भूख लग रही है तो हमें वेट करना चाहिए कि नहीं? देखिए, असल में हमारे यहाँ दो तरह की मखलूकात पाई जाती है। जी जी, एक है अशरफुल मखलूकात जिनका आप पहले जिक्र फरमा रही थी जी, और दूसरी है आम मखलूकात जिसे हम मतवस्त तबका या इसके नीचे वाला तबका कहते हैं। ये जो आम मखलूकात है इसमें तो भूख लगती है, उसकी वजह यह है कि वो मुशक्कत ज्यादा करते हैं, उन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ती है, और उनकी एनर्जी बॉडी जो है वो ज्यादा वेस्ट करती है। जितनी एनर्जी वेस्ट करती है गजाई तौर पे उतना फ्यूल उन्हें चाहिए होता है। अब वो जो गजाई फ्यूल है अगर वो सेहतमंद तरीके से उनको या अच्छे तरीके से मुहैया नहीं होता, या वो मुहैया या वो उनकी दस्तरस में नहीं है अपने जिस्म को वो मुहैया करना, तो उसकी वजह से मामलात पैदा होते हैं। आज है जी अशरफुल मखलूकात की तरफ कि हमने ऑर्डर किया, कुछ मंगाया, खाया, और हमें जरूरत है अपना समझ लें कि 1800 कैलोरीज की, और हमने एक ही टाइम में 3 वक्त खाने में हमने दो दो हमें 1800 कैलोरीज चाहिए, और हमने क्या किया कि 3 वक्त के खाने में, 1 वक्त के खाने में हमने 600 कैलोरीज ले ली एक पिज्जा से या एक बर्गर से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो 1 वक्त के खाने में हमने 1000 कैलोरीज ले ली, तो दोनों का लाइफ स्टाइल जो है वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। बाकी है कि आपकी बॉडी जो है जब वो वर्क करती है तो वो आपकी कैलोरीज को बर्न करती है और उतनी एनर्जी रिकवर करती है। जैसे कि एक ठेले वाला है, वो ठेला लगाएगा तो वो धूप में खड़ा होगा, उसे डिहाइड्रेशन भी होगी, ठीक है। वो एक मजदूर है रेड़ी वाला, वो रेड़ी को जब लेके जाएगा तो उसकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी, ठीक है। अब उससे एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए। अब ये है कि उसका जो लाइफ स्टाइल है, एक मजदूर का, एक गरीब का, और एक जो आम वर्कर है ना, मतवस्त तबके वाला, स्ट्रगल करने वाला, उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है। उसको जरूरत ज्यादा है गिजा की। मुशाहिदा है, मेडिकली साइंस इस चीज की दलील है देती है कि आप
अगर वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, तो आपको 2400 कैलोरीज दरकार है पर डे। ठीक है। और अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं, तो फिर आपको 1800-2000 कैलोरीज बहुत है। अगर नहीं है, आपने ज्यादा खा लिया है, डिपॉजिट जमा कर लिया है, आपके अंदर फैट बैंक है जिसे हम पेट कहते हैं, ये आपने भर लिया है, लिपिड प्रोफाइल आपका हाई हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई हो गया है, तो माइनस फिर भी आपको करना है। फिर भी डॉक्टर आपको क्या करेगा कि डाइट प्लान देगा कि अब आप अपनी कैलोरीज को कम कर ले, डाइट पे आना पड़ेगा। तो इससे एक डाइट का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, इलाज बिल गिजा हम इसे तिब में कहते हैं, फिर वो आता है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप खाएं ही पूरा पूरा, जो बचता है वो मखलूकात को देते हैं। आए 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 आए। अच्छा, ये बहुत प्यारी बात की है, और ये सूरह फातिहा में भी आया है, और जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तो अल्लाह पाक की वादानियत है, उसके बाद जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, उसमें खास जिक्र है कि जो मैंने तुम्हें नेमतें दी उसमें दूसरे का भी हिस्सा शामिल कर, ये शुरू में ही है। नहीं दें, आप नहीं दें, अल्लाह का निजाम है, नेचर आपसे लेगी। आपको डॉक्टर ये बोलेगा कि आपने सुबह में मीठा नहीं खाना है, आपने इसका मतलब दूसरों को, आपने चिकनाई नहीं खानी है, आप अब अगर आप खाओगे तो मरोगे, अब अगर आपने खाया तो अब आपकी ये रिपोर्ट, आपकी ये आर्टरीज 70% ब्लॉक हो चुकी है, 60% हो चुकी है, बिल्कुल ठीक। अब आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, अब आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। अगर सेहतमंद लाइफ गुजारनी है तो अब माइनस करें कैलोरीज को, अब आप दो रोटी की जगह एक खाएं। वो पता तो इसके पीछे जो साइंस है, उस सेंस, इस साइंस की इस सेंस को समझें कि वो यही है कि अगर आप ये पहले ही करते रहें, खैर बरकत वाला काम, बांटने वाला काम, हाय हाय हाय, तो आपको ये बीमारी होगी। बहुत प्यारी बात की और बहुत गहराई वाली बात की है रजा साहब ने, कि वाकई में एक तो हम लोगों को, जब मैं कहूँगी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम लोग सुन्नतों पे अमल करें, खाने पीने से लेके और तमाम उनके जो भी अहकाम अगर करें, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी। और जो कुरान में जिन चीज़ों का जिक्र है उनको अपनी लाइफ में अगर रखें, जैसे खजूर है, अंजीर है, जैतून है, और वो एक और वो है, ये कलवंजी भी बड़ी फायदेमंद है जिस पे नबी सल्लम ने फरमाया, मेथी है, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं। और जौ का आटा बहुत फायदेमंद है, नबी सल्लम बड़े शौक से इनकी रोटी खाते थे, बकरी का दूध हो गया, शहद हो गया, ये वो तमाम चीजें अगर हम अपनी, हमने निकाल दी अपनी जिंदगी से सर, हमने निकाल दी, फिर भी कुदरत जो है वो अपना काम बिल्कुल सही तरह से, सही तरतीब तरीके और सलीके से अंजाम दे रही है। कैसे, हम देखे जी, गर्मियों का मौसम है जी जी, और आम भी गर्म है, बिल्कुल ठीक, तासीर आम की आम भी गर्म है। ये जो हम अभी आम खाएंगे, ये आपको पता होगा मुमन, आम खाने से क्या शिकायत होती है, गर्मी दाने निकल आए है ना, दाने निकल आए, ये होती है शिकायत। हाँ, वो एक लेकिन आम का जो सही बेनिफिट है, अच्छा आम का जो सही बेनिफिट है वो आपको सर्दियों में मिलेगा। अच्छा, वो आपकी इम्यूनिटी जो बढ़ाएगा वो सर्दियों में काम। अच्छा, अभी खाएंगे। अच्छा, आप सर्दियों में जो फल आए वो क्या है जी, किन्नू है, माल्टा है, ठंडे फल है। ठंडे फल जब आप खाते हैं तो उसका इंतजाम अल्लाह ताला गर्मियों में रखते हैं, सुभान, कि आपने वो ठंडे फल जो खाए वो आपको गर्मियों में बचाएंगे। तो अभी अल्लाह ताला ऐसे करते हैं, जो आने वाले हालात हैं उनमें जो अमराज पैदा होंगे उनकी नोयत के एतबार से पहले से इंतजाम फरमाते हैं, पहले से ही इंतजाम फरमाते हैं। हमारे यहाँ जिन बस्तियों में, जिन इलाकों में, हमारा जहाँ हम रहते हैं, हमारे गिर्दो नवा में, हमारे मौसमों में, हमारे शजरों में, हमारे दरख्तों में वो फल अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं जो ऐन हमारे अमराज की नोयत के मुताबिक होते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी जमाने में, आपको एक मिसाल दूं, सुहांजना होता था, आए हाय, अभी भी होता, अभी तो बहुत ही, अभी भी होता है ना, सुहांजना की किस्म चेंज हो गई। पहले हमारे यहाँ सुहांजना होता था तो लोग सुहांजना नहीं खाते, नहीं पता नहीं था ना, फिर वो मोरिंगा बन के आया, हम 50 रुपए किलो नहीं ले रहे थे, फिर हमने 2000 रुपए केजी लेना शुरू किया। देखो यार, हालांकि सुहाजना हमारा है, यहीं से एक पोर्ट होता है। तो चीजें हमारे यहाँ मौजूद है, हमें सिर्फ साइंस की एक मोहर चाहिए रिसर्च की, तो वो वही जब उसके ऊपर एक स्टाम्प लग के आए कि मोरिंगा की सेहत के बेनिफिट ये हैं, तो हमने मोरिंगा 2000 रुपए केजी भी लेना शुरू किया। देखो, ऑनियन ऑयल पहले हम कहते थे किसी को प्याज का पानी सर में लगा, बोलते ही काटती है इसमें तो बहुत, ये क्या लगाना है ना।
अब यही ऑनियन ऑयल जो है वो 2000 कर ले। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। तो इसी तरह इस मौसम के एतबार से जो अमराज पैदा होते हैं उसमें देखें आलू बुखारा है इस वक्त मार्केट में मौजूद है। ये बहुत मजे का। अच्छा जामन है जी इस मौसम में बहुत फायदेमंद। और हमारी फितरत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जब गर्मियां होती हैं तो हम ठंडे मशरूबात की तरफ रुखबत रखते हैं एन ऐसी तरह जैसे हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट की तरफ रुझान बिल्कुल बढ़ जाता बिल्कुल, बिल्कुल। गर्मियों में नहीं बढ़ता। अब गर्मियों में जब ये रुझान बढ़ता है तो हम सिकंजबीन पीते हैं जो कि हमारी आम मखलूकात जैसे मजदूर लोग हैं उनके लिए बहुत अफोर्डेबल है और अशरफुल मखलूक। अच्छा सिकंजबीन सत्तू पीने से अमूमन क्या होता है गर्मी में जो अमराज पैदा होते हैं वो क्या है जी आपकी किडनी का क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है किडनी पे असर पड़ता है। बसा औकात कमर में दर्द हो रहा होता है बेसिकली वो गुर्दे की कमजोरी होती है। खवातीन में यूटीआई प्रॉब्लम होता है। मेल में अमूमन यूरिन में जो है वो तकलीफ होना शुरू होती है। गर्मी के असरात हाथ पांव में जलन होना नींद का ना आना सर में दर्द रहना इस तरह की जो अलामत है इसमें सत्तू जो है जौ का वो इंतहाई मुफीद है। ये तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा लीमू की सिकंजी भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब आ जाए जी मौसमी एतवार से तो आप ले लें जी आलू बुखारा जैसे आपने 2-3 दाने आलू बुखारे के ले लिए उसमें आपने हरा पुदीना डाला एक मुट्ठी के बरबर ठीक है और उसी में आपने 2-3 छोटी इलायची डाल दी गुड है थोड़ी सी सौंफ डाल दी ओए 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 उसी के अंदर आप एक टमाटर डाल दें उसको ग्राइंड करें वो एक बेहतरीन किस्म की चटनी बन जाएगी। अब ये मैदे की बर्निंग जिसे हम कहते हैं ना जिगर और मैदे में गर्मी हिद्दत ठीक ठीक किसी भी हकीम के पास चले जाएं डॉक्टर के पास चले जाएं नब्ज देख के एक चीज वो बोल देना कि आपके जिगर और मैदे में गर्मी है 90% लोग वैसे मान लेते हैं ये कैसी सही कह रहा सही कह रहा ये बिल्कुल सही कह रहा है मेरे जिगर और मैदे में गर्मी हां सही कह तो इससे ये होगा जो आप 40 mg 20 mg मैदे की बर्निंग के लिए दवाइयां खाते हैं ना कैप्सूल होते हैं दाने दाने बने होते हैं है ना 40 रुपए का 50 रुपए का आता है वो नहीं खाने पड़ेंगे वो साशे जो पानी में डाल के लेते हैं वो नहीं। हाँ कभी आप तली हुई चीजें अपना फ्राइज चीजें इस तरह की चीजें खा लेते हैं तो उसमें हजम होने में मसला होता है तो उसमें जब ये चटनी आप अपने दस्तरखान पे रखें आलू बुखारा और जामुन की चटनी है ठंडी ठंडी चटनी और ये आप खाएं तो इससे क्या होगा आपके जिगर का निज़ाम खवातीन में खसूसन दौरान हमल प्रेगनेंसी में अमूमन 7वें-8वें मंथ में RBC और हेमोग्लोबिन कम होता है। उसकी बुनियादी वजह यह कि जो इब्तदाई महीने होते हैं उनमें खाना कम हो जाता है उसमें नोजिया का फील होना जी का मतराना इस तरह की कैफियात पैदा होती हैं। तो एक तो ये इन चीज़ों को भी कवर करेगी दूसरा ये कि इनके अंदर कुदरती तौर पर आयरन है तो दवाइयाँ अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं लेकिन हमें पैक दवाइयाँ चाहिए और एक बड़ी चैम्बर में हमने भाई मैं तो बता दिया मैंने ये होम रेमेडी फिर भी किसी को अपने 1500-2000 करने खर्च तो मेरे पास आ जाए करने बता भी रहे साथ में कहते हैं भाई ये इसका हल है ये मैंने होम रेमेडी दे दी लेकिन फिर भी किसी को बहुत शौक है अपने पैसे खर्च करने का तो आ जाए। मैं कहती हूँ अल्लाह आप तो मना कहते भाई मेरे बेटा मैं तो अल्लाह ईमान तवक्कल बात कर रहा हूँ बाकी अब किसको बहुत शौक जिस्मानी सेहत के लिए नफसियाती सेहत का होना जरूरी है बहुत अच्छी बात है। और हमारे मुआशरे में जो कॉम्प्लेक्स है एहसास से महरूमी है बिल्कुल हमारे मुआशरे में एक हसद है हमारे मुआशरे में फर्ज करेंगे हम अपने कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने पड़ोसी के साथ हमें अपने पड़ोसी के साथ कंपेयर नहीं करना हमने अपने अपने माजी के साथ खुद को कंपेयर करना है खुद के साथ खुद को करना है। अब हम क्या करते हैं पड़ोसी हमारा जाता है एक स्पेशलिस्ट के पास वो वहां देता जाके 2000 रुपये फीस वो बताती है जी मैंने 2000 रुपये फीस दी उनको चेक कराया उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख दिया और 3000 की दवाइयां दे दी उसके जहन में ये कम्प्लेक्स है हालांकि उसकी सेहत में हैसियत में ये बजट में चीज नहीं है कि वो वहां जाए ठीक है लेकिन वो कम्प्लेक्स उससे वहां लेके जाता है कि मैंने वहां जाना तो वो खर्चा करवाना है उसे बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो नफसियाती महरूमी है एक तो ये देखिए हमारे मुआशरे में सबसे जो बड़ा मसला है हसद एहसास से महरूमी ये अपने हाल पे खुश ना रहना अल्लाह की जात से मुतमिन ना होना तमानियत ना होना कि वो है ना कि दौर जदीद से बरपा है हर सिमती की जान एक तनाव है चेहरों पे तमानियत भरे चेहरे बदल गए जो चेहरों पे तमानियत थी वो पहले लोग क्या करते थे लस्सी प्याज खा के क्यों खुश रहते थे
ये सरसों का तेल लगा, ये एंटी एजिंग सीरम नहीं लगाती थी औरतें, ये बड़े बड़े ब्यूटी के जो है वो मास्क इस्तेमाल नहीं होते थे, क्योंकि 30,000 और 6-6, 5-5 बच्चे पैदा करके स्किन 60 साल की एज तक भी शाइन कर रही है। तिब्बत क्रीम मेरी वालदा इस्तेमाल करती है, उनके क्रीम तिब्बत का पाउडर बेटा, वो ला दो तिब्बत का पाउडर, तिब्बत की क्रीम और वो येलो कलर की, सॉरी ऑरेंज कलर की वो जो है ना वो वेजलीन होती थी। हाँ हाँ यही तो ये लोगों के अंदर पता क्या था, ये फेस का नहीं था, ये लोगों के अंदर तमानियत थी, अल्लाह ताला की जात से खुश थे कि अल्लाह ताला हमें साबिर और शाकिर थे कि अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखे, ठीक है। इस वक्त आप किसी भी एलोपैथिक में चले जाएं, मेडिकल स्टोर पे, डिस्पेंसरी पे चले जाएं, आप होम्यो में चले जाएं, दीगर जितने भी तरीका इलाज हैं वहां चले जाएं, आपको मेडिसिन में 50% वो मेडिसिन मिलेंगी जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। अल्लाह अकबर, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ती जा रही है। हमारा इशू ये है कि जब एंजाइटी और डिप्रेशन से आपके जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह के रिलीज करना शुरू करते हैं जिससे आपका फिजिकल चेंज होना शुरू। हम लोग जो असल में एक दौड़ में लगे ना, वो यहाँ पहली बात है हसद की कंपटीशन में, कंपटीशन। अच्छा हमारी कंपटीशन इधर तक है, ये तो फैमिली में होगा। हाँ। बाहर निकलो पता चले दुनिया कहाँ जा रही है, हम लोग उसी में, उसका घर बड़ा अच्छा बन गया मुझे भी घर बड़ा ले, मुझे भी बड़ा बना, बस ये इस साल में जो अच्छा। फिर एक और देखें, हमने बड़े दोस्तों को अहबाबों को आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ क्या होता है, पिछला साल बहुत अच्छा था, ये साल अच्छा नहीं, हालांकि आपने पिछला साल भी बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, आपने पिछले साल भी ये कहा कि वो पिछला साल अच्छा था, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है आपने उस पे कनाद ही नहीं की, आपने उस पे रखा ही नहीं, आप तो दूसरे को देखते रहे, पुराना दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा नहीं, ये दौर अच्छा नहीं है। भाई जिस हाल में अल्लाह ने रखा है इसी में हमने कंप्रोमाइज करना है और अपने अंदर तमानियत पैदा नहीं करेंगे, आप अमराज से फारिग हो ही नहीं सकते। दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ जो नफसियाती अमराज है उनकी बुनियाद, अच्छा ये अशरफुल मखलूकात के अमराज है। अब अशरफुल मखलूकात के अमराज में पूरी दुनिया ने इस वक्त जो है शुगर, आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक बड़ा और बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर बेहतरीन रिसर्च जो है वो जारी है। हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया के माहिरीन जमा होते हैं, बैठते हैं आपस में। शुगर पैदा ही जदीद मॉडर्न कल्चर से हुआ, ओके, जदीद मुआशरा जो प्रोसेस लाइफ स्टाइल से पैदा हुआ और इसलिए इसे जदीद मुआशरती मर्ज कहा जाता है। जदीद मुआशरती अमराज में क्या आ गया, आपका शुगर आ गया, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गए, टेंशन कहते हैं, टेंशन बहुत है, नहीं आपकी दिहाड़ी 2 करोड़ की लग गई है, नींद के लिए आपको टेबलेट खानी है, नींद नहीं आ रही ना, बात समझ में आई? यकीन करें मैं इनकी बातें सुन रही हूँ ना, रियल ऐसा ही है लोगों के साथ, उनके पास पैसा बहुत है और फिर वही ना शुक्री, नुकसान हो गया, हालात बहुत खराब हैं और अल्लाह ने 80% नेमतें दी, अगर वो एक आध नेमत नहीं देता ना उसके लिए उसका रोना नहीं खत्म होता, रोना खत्म नहीं होता। हमने वो जो अल्लाह ताला ने हमें चीजें दी हम उससे मुस्तफीद ही नहीं हो रहे, हम उनको इस्तेमाल, हमें मैंगो नहीं खाना, हमें मैंगो नहीं खाना, कुदरत ने हमें दिया मैंगो, अब मौसम है, अभी गरीब अमीर सब खा सकते हैं, हमने मैंगो नहीं खाना लेकिन हम मैंगो आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, ठीक है, हम मैंगो आइसक्रीम खाएंगे, हालांकि मैंगो में बेनिफिट ज्यादा है, मैंगो आइसक्रीम में इतने बेनिफिट्स नहीं है, ठीक, हमने मैंगो की टॉफी खानी है। हम खुद अपनी नेचर से दूर जा रहे हैं, सही बात, हम मैंगो का पल्प लेंगे है ना, हम मैंगो की आइसक्रीम रेसिपीज बनाएंगे, ठीक, जो कुदरत ने हमें बना के दी है हमने उसको एंजॉय नहीं करना। तो ये कुछ हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसकी बुनियादी जो वजह है वो यही है कि हमें अपनी जो चीजें हमें अल्लाह ताला ने जिस हाल में दी हैं, जिस तरह से दी हैं, जैसे मैंने कहा अभी जामन है इस वेदर में, आलू बुखारा है इस वेदर में, आम है इस वेदर में, फालसा है इस वेदर में, आपका सत्तू पीना है आपने, नींबू का इस्तेमाल करना है, ये चीजें आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत ठीक हो। अच्छा रजा साहब, आपने नोट किया कि हम लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, बहुत फैसिलिटेड है ऑफ कोर्स, हर चीज कन्वेंस ये वो सब, अच्छा हमारे जितने एरिया में लोग रहते हैं उससे ज्यादा फिर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, क्लिनिक कंफर्म, आप किसी भी एरिया में उसमें चले जाओ वो डॉक्टर्स के करीब है, ऐसे ही ना हॉस्पिटल भी, लेकिन मैं केपी के में घूमी हूँ और वहाँ पर डॉक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो जगह जगह फ्रेश वाटर है, गंदगी बिल्कुल नहीं है,
और खाने पीने की चीजें भी बहुत ऑफकोर्स नेचुरली वहाँ पर मौजूद है, देसी माहौल है, देसी माहौल है, टच है, घर के जानवर हैं और घर के अंडे हैं सब कुछ इस तरह, मुर्गियां वगैरह, तो वहाँ पर मैंने देखा लोग बीमार भी कम होते हैं, बीमार भी कम होते हैं वहाँ, जहाँ जहाँ देसी माहौल है वहाँ तक अभी तक जो है वो लोगों का असल में खाना ऑर्गेनिक है, प्रोसेस फूड जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने हमारे पास सबसे अच्छी चीज तो है ना मोबाइल है, तो हमने देखा भूख लग रही है और हम डायरेक्ट इंसल्ट कर रहे हैं मोबाइल की, नहीं नहीं हम कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हम नेट पे देख रहे हैं कुछ, उसमें हमने कोई डिश देख ली और भूख का टाइम है, भूख नहीं है, तो हमने जैसे ही देखा देखने में अच्छी लगी, यहाँ से हमें सिग्नल मिला, मुंह में थोड़ा सा लुआब पैदा हुआ कि मंगानी चाहिए, बनानी नहीं चाहिए मंगानी चाहिए, तो हमने मंगा लेनी है, और उसके क्या है कि हमारी सेहत के द्वार से उसकी क्या है। अब सबसे ज्यादा मेडिसिन कौन सी बिक रही है आपको पता है मार्केट में, सबसे ज्यादा देखिए मंजन, मंजन क्या है, मंजन क्या है, मोटापा की दवाई बिकती रहनी है, क्यों बिकती रहनी है, लोगों ने मोटे होते रहना, ठीक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना ना, ठीक ठीक हाँ, पहले बिगाड़ना है फिर खुद पे खर्चा करना है फिर खुद को सेट करने की कोशिश, ठीक है ठीक है, ब्यूटी पे खर्च हो रहा है, ठीक है, बालों के मसाइल हैं बिल्कुल, और एंटी एजिंग पे खर्च हो रहा है, हाँ ये तीन चार चीजें बिल्कुल सही कहा, मोटापा है, ब्यूटी है और ये बालों को, सही कहा बिल्कुल, और अपने एज इफेक्ट को, एज इफेक्ट को अगर आपने कवर करना है तो बिल्कुल ही आप जितना कुदरती सादा सुबह उठें, अपने दादा के स्टाइल में चले जाएं, दादा की लाइफ में चले जाएं, दादा की लाइफ में क्या है कि सुबह उठे उन्होंने रोटी भी खाई साथ में थोड़ा वॉक भी किया, ठीक है, थोड़ा चले फिरे भी, हजम भी हुआ, जरूरत नहीं है तो रोटी कम खाई। आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि खाना जो है वो भूख का है, टाइम का नहीं है, खाना भूख का, जब आपकी बॉडी फ्यूल मांगेगी तो आपको आपको इशारा बॉडी को लगेगा भी ना, तो आपकी बॉडी को लगेगा और उतना खाएंगे जितना की जरूरतमंद है, जरूरत है उसकी। अच्छा हमने जायके ज्यादा लेने हैं, पेट जो है पेट में कितनी गुंजाइश है वो नहीं देखना, तो इसी वजह से मैदे की अमराज जो है वो बढ़ रहे हैं, लीवर के अमराज बढ़ रहे हैं, खवातीन में फैटी लीवर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा है। क्या इसका सोल्यूशन है, कुछ होम रेमेडी बताएं ना। हाँ जी देखिए, अच्छा आप बताएंगे, पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लें फिर हम कंटिन्यू करें। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बड़े मजेदार रजा इलाही साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है और हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखिए आप ब्रेक में कुछ ब्यूटी पैकेज वगैरह भी देखें, पी भी आएगा, और यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।